हेलो दोस्तों, आज दोस्तों हम बात करेंगे लेथ मशीन के बारे में, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जितने भी हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, वह चाहे बीटेक के हों या फिर डिप्लोमा के हों, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह हमारा है लेथ मशीन। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर हम देखें तो जो हमारा जो बेसिक है, अगर मैकेनिकल स्टूडेंट हो या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो, जो बेसिक हमें ट्रेंड किया जाता है, मशीन के बारे में बताया जाता है, वह हमारी है लेथ मशीन ही होती है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इसके पार्ट के बारे में और इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में, कि इस पार्ट को, कोई भी हमारा जो पार्ट है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैं पहले जनरल व्यू इसका दे देता हूं। ये दोस्तों हमारा होता है हेडस्टॉक, ये हमारा जो पार्ट दिखता है ये हमारा होता है हेडस्टॉक, ये हमारा दोस्तों होता है कैरेज, और ये होता है हमारा टेलस्टॉक, और ये जो हमारा है ये बेड है एक तरीके के, और ये हमारी दोस्तों एक ट्रे होती है। अब मैं सबका धीरे धीरे एक एक करके यूज बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा जो होता है बेड होता है, बेड हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, बहुत ही सफिशिएंटली रिजिड होता है इसमें, क्योंकि जो हमारी इसकी जो क्वालिटी होती है बेड की, वो बहुत ही रिजिड होती है और गुड डैम्पिंग क्वालिटी होती है। अगर हम कहें कि डैम्पिंग क्वालिटी का मतलब, जो भी इसमें वाइब्रेशन होते हैं, शॉक होते हैं, क्योंकि जब हमारा मटेरियल कटिंग होता है तो क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन भी होते हैं या फिर कहें तो डिफ्लेक्शन भी हमारे काफी भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस। तो वो क्या करता है, सारा कुछ इसमें क्या दोस्तों बियर करता है, और जो भी हमारे शॉक वगैरह होते हैं वो भी क्या करता है, बियर करता है, और जितना भी इसका लोड होता है, वह हेडस्टॉक का है, कैरिज का है या टेलस्टॉक का है, सारा कुछ ये क्या करता है दोस्तों, सपोर्ट करता है इसको स्टैंड करने में। तो ये मेन वर्क होता है हमारा बेड का। अब मैं बात करता हूं इस ट्रे का। ये ट्रे हमारी इसलिए लगी होती है दोस्तों, क्योंकि जब हमारा मटेरियल कट होता है तो जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल हमारे गिरते हैं वो हमारे क्या करते हैं, बेड में आ जाते हैं। अगर बेड नहीं लगा होगा तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्टिकल कटेगा वो हर जगह फैल जाएगा। तो ये बेड हमारा इसीलिए में लगा होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है वह यहाँ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इस पार्ट की, जिसे हम कहते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में दोस्तों ये हमारे कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये हमारा पहला पार्ट लिखा हुआ है स्पैंडल स्पीड सिलेक्टर। ये हमारी एक तरीके की स्पैंडल स्पीड होती है, इसमें 1, 2 और 3 ऐसे करके लगा होता है। यह क्या करता है, स्पीड को, जिस समय स्पीड के यहाँ एक बार बना होता है दोस्तों, बार बना होता है मतलब स्पीड एक लिखी होती है हमारी, कि हमें इस मूविंग स्पीड से हमें कैसे कितना एडजस्ट करना है। जैसे कि हमें स्लो प्रोसेस चाहिए या फिर हमें प्रोसेस को स्पीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या रहता है, स्पैंडल स्पीड सिलेक्टर। ये हमारा जो होता है, ये होता है स्पैंडल विद चक। ये चक क्या करता है, चक का मेन पार्ट, मेन वर्क क्या होता है, जो भी हमारी जॉब होती है, इस चक में हम क्या करते हैं, उस जॉब को क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। जो हमारा चक होता है वो दो टाइप के मेनली होते हैं, एक 3 जा चक होता है, एक 4 जा चक होता है। 3 जा चक में क्या होता है, एक सिर्फ एडजस्ट करने के लिए होता है, इसके द्वारा हमारे जो क्लैंपिंग प्रोसेस होते हैं सारे एक साथ एडजस्ट होते हैं। बट 4 जा चक में होता है कि हमें सेंटरिंग करनी पड़ती है उसकी, और ये क्या करता है, जॉब को क्लैंप करता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो जॉब को हमें, जो उसमें मशीनिंग करनी है, अभी कोई भी प्रोसेस हमें करना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मेन वर्क हो गया हेड स्टॉक का। अब मैं बात करता हूं टेलीस्टॉक की। टेलीस्टॉक का मेन वर्क हमारा दोस्त क्या होता है, कि जैसे भी हमने जॉब लगाया, इस जॉब को क्या करता है, ये क्या करता है, सहारा देता है एक तरीके से, कि हमारी जो सेंटरिंग है इसकी एग्जैक्ट हो जाए, या फिर हमें कई सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, बोरिंग का प्रोसेस करना है तो भी क्या करते हैं, ये हमारा हैंडव्हील होता है, इसके सारे जो हमारे स्पैंडल लगा होता है, ये इसे हम डेड सेंटर भी कहते हैं, ये हमारा टेलीस्टॉक होता है, स्क्विल है, ये हमारा क्या है, ये पूरी टेलीस्टॉक की असेंबली है। ये हमारा जो हैंडव्हील लगा हुआ है, इसको अगर हम घुमाते हैं, इस टाइप घुमाते हैं, तो हैंडव्हील हमारा क्या करता है, आगे की तरफ मूव कर सकता है, और अगर इसे अपोजिट घुमाते हैं तो हैंडव्हील क्या करता है, ये स्पैंडल एक लगा होता है, वो पीछे की तरफ भी जाता है। तो क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी जॉब को क्लैंप करना है, उसे सहारा देना है, ताकि उसकी सेंटरिंग है वो भी क्या करें, मिसअलाइनमेंट ना हो, तो उसके कारण हम इसको यूज करते हैं मेनली टेलीस्टॉक का। और अगर हमें बोरिंग प्रोसेस भी करना है, तो इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, बोरिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं, या इसमें अगर नॉर्मल ड्रिलिंग भी प्रोसेस करना है तो वो भी दोस्तों कर सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा स्पैंडल होता है, इसमें वो हटा भी सकते हैं, और इसमें भी ड्रिल हमें जितने का भी करना है, किसी भी जॉब में इंटरनल होल करना है, तो वो भी हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें
इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन वर्क होता है टेलीस्कोप का। अब मैं बात करता हूं ये कैरिज की। कैरिज में हमारे दोस्तों कई सारे पार्ट होते हैं इसका मेन, और कैरिज हमारा क्या सकता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से मूव कर सकता है। इसे हम हैंड से भी मूव कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक भी हम सेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा क्या सकता है, मूव हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं पहले सैडल की। सैडल इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सैडल दोस्तों हमारा क्या है, बेड के ऊपर माउंट रहता है और ये क्या सकता है, मूव भी होता है। अब बात करते हैं हम क्रॉस स्लाइड की। जो हमारा ये क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड का मेन वर्क यही होता है कि हमारा कोई भी, हमारा जैसे हमारा टूल पोस्ट पूरा लगा हुआ है, ये भी क्या है, इस पे माउंट है बेड के ऊपर हमारा। तो क्रॉस स्लाइड हमारा क्या सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हमारा क्या सकता है, हैंड से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें जॉब को क्या करना है, सेट करना है या फिर हमें कोई भी क्या करना है, प्रोसेस करना है। मेन वर्क दोस्तों क्या करते हैं, जब ये हमारा माउंट होता है क्रॉस स्लाइड, इसमें अगर फेसिंग करनी होती है किसी जॉब में तो हमारा मेन रोल हमारा क्या होता है, क्रॉस स्लाइड का होता है। या फिर हमें अगर टर्निंग करनी है, इंटरनल टर्निंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड का हेल्प लेते हैं। ये होता है हमारा मेन वर्क होता है क्रॉस स्लाइड का। अब बात करते हैं कंपाउंड रेस्ट। ये हमारा पार्ट है, ये जो हमारा लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ऊपर, जो हमारा ये टूल पोस्ट है, इसके जो नीचे लगा हुआ है, ये हमारा होता है दोस्तों कंपाउंड रेस्ट। जो दोस्तों हमारा ये कंपाउंड रेस्ट है, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है, माउंट होता है। अगर हमें कोई भी जॉब को क्या करना है, एंगल देना है, किसी भी एंगल पे हमें क्या करना है, किसी जॉब को क्या करना है, अगर कट करना है तो इसे हम एंगल देके उस जॉब में हम क्या कर सकते हैं, एंगल देके कोई भी कटिंग क्या कर सकते हैं, इसी कर सकते हैं। तो ये वर्क होता है मेन हमारा कंपाउंड रेस्ट का। क्या करता है, हमारा जो टूल पोस्ट है, हमारा टूल पोस्ट को मूविंग करता है कि हमें किसके अकॉर्डिंग कैसा भी हमें सेट करना है जॉब को, या फिर कैसी भी हमें कटिंग करनी है कोई भी एंगल पे, तो ये हमारा सेट करता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों टूल पोस्ट। जो हमारा टूल पोस्ट होता है वह माउंट होता है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर। टूल पोस्ट का मेन फोकस क्या होता है इसका दोस्तों, कोई भी हमें टूल का है, कोई भी हमें टूल अगर एडजस्ट करना है, ये टूल पोस्ट कई तरीके के आते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें हाइट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कई सारे टूल पोस्ट आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, एक तरीके से फोर बोर्ड से हमारे कनेक्ट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने टूल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर उसको सेंटरिंग करके ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हमें जो भी हमें मशीनिंग करनी है, कोई भी हमें जो प्रोसेस करना है, वो इजिली हमारा क्या पूजली इजिली हो जाए। टूल जो हमारा पोस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कटिंग मेटल होता है वो यहीं सेट करते हैं और हमें जो भी वर्क जो आपको कटिंग करना है वो इजिली क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब बात करता हूं मैं एप्रन का। ये एप्रन क्या होता है, इस पूरे पार्ट को क्या करता है, ढक के रखता है और जो भी हमारी मैकेनिज्म होती हैं वो इससे क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। जैसे कि ये हैंड व्हील है, हैंड व्हील के सहारे क्या कर सकते हैं, इस जॉब में ये जो हमारा बना हुआ है फीड रॉड बनी हुई है और इसमें एक थ्रेड भी हमारी बनी होती है, थ्रेड हमारा सेक्टर होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो कैरेज है पूरा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है बाई हैंड से। सपोज दैट हमें कभी कभी क्या करना है, ये कटिंग करनी है, जिसे मिलकर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फीड कंट्रोल, ये हमारे तरीके तो फीड कंट्रोल होता है। अगर हमें किस मशीन को कितनी स्पीड से मूव करना है या फिर हमें उस कितनी हमें फीड देना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम सेट करते हैं। ओके, और ये हमारा होता है क्लच। क्लच का मेन क्या है, अगर इस क्लच के सहारे जब हमें अगर थ्रेडिंग करनी होती है तो हम कहते हैं हैंड से करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ज्यादा कम ऐसा होगा। जब हम क्लच का यूज करते हैं तो क्लच के सहारे इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह सेट कर सकते हैं पूरे टूल, ये हमारा जो कैरेज है किस तरीके से कहें, ये पूरा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ये होती है हमारी फीड रॉड। फीड रॉड हमारी क्या है, फीड रॉड हमारा जो टूल पोस्ट हमारा ये पूरा कैरेज है, इसमें क्या कर सकता है, मूव कर देता है। ये होता है हमारा लीड स्क्रू। अगर इसे हमें दोस्तों ऑटोमेटिक चलाना है, ऑटोमेटिक सेट करना है, तो वैसे ऑटोमेटिक सेट करते हैं तो लीड स्क्रू के सहारे जब हमें स्क्रूइंग करनी होती है तो क्या कर सकता है, ये दोनों वर्क हमारा जो कैरेज है पूरा ये मूव करता है। तो ये दोस्तों हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसके। अगर सपोज दैट अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको बनाना है तो एक मैं और जनरल बुक का फिगर ही दे देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। जैसे कि इसमें भी है, ये ले गए हमारा, ये हमारा पेन है, जैसे मैं कह रहा था एक ट्रे है, इसे हम ले गए, ये हमारा ट्रे है, ये हमारा क्या होता है कवरेज फॉर चेंज गियर। ये गियर चेंजिंग का एक प्रोसेस हमारा होता है, किस समय कैसे भी एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा पार्ट होता है वो हेड स्ट्रोक होता है। ये हमारा चक है
और ये हमारा क्रॉस स्लाइड है जिसे हम पूरा कैरेज कहते हैं। ओके, ये टूल पोस्ट है, ये हमारा बेड होता है जिसमें क्या कर सकते हैं पूरी मूव करती है हमारी कैरेज। ये हमारा होता है टेरेस टॉप, ये क्लैंपिंग प्रोसेस होता है। इसके सहारे क्या कर सकते हैं, इसको टेरेस टॉप को जहां में एडजस्ट करना है वहां कर सकते हैं, इसको क्लैंप कर देते हैं। ये हमारा हैंड व्हील होता है, हैंड व्हील के सहारे जो हमारा यहाँ स्पैंडल लगा होता है उसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं। ये हमारा होता है लीड स्क्रू जिसमें क्या कर सकता है, ये पूरा हमारा प्रोसेस जो है कैरेज ये मूव करता है। और ये हमारी होती है फीड शाफ्ट जो ऑटोमेटिकली हमें क्या करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसको सेट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ये दोस्तों हो गए कुछ जो भी हमारे लेथ मशीन के इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे हमारा फेसिंग होते हैं, टेपर टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग होती है, या फिर हमें बोरिंग है, नलिंग है, ड्रिलिंग है, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।